आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में देखिए दोस्तों, एक केतली मेरे पास आया बनने के लिए। ये मिल्टोट कंपनी का केतली है जो कि आया है बनने के लिए। तो मेरे पास आने से पहले ये जिनका केतली है, तो ये ऑलरेडी दो बार मिस्त्री के पास जा चुका है रिपेयरिंग होने के बाद। दो बार आने के बाद क्या होता है, दो एक दिन चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है। खराब होने के बाद, दो बार बनाने के बाद वो थक जाते हैं, लास्ट में वो हमें देते हैं ये केतली को बनाने के लिए। तो हम इसको बनाएंगे और सबसे पहले इसमें दिखा दे कि प्रॉब्लम इसमें है क्या। तो इसका ये जो है वायर को हम लगा देते हैं डायरेक्ट लाइन में, लगा के सीरीज में यही चेक करेंगे, पर डायरेक्ट लाइन में लगा के लाइन दे देते हैं। लेकिन आप एक ध्यान रखें कि अगर डायरेक्ट लाइन देते हैं, अगर कहीं चालू हो जाते हैं, गर्म होने लगेगा, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया करें। हम जानते हैं, इसीलिए हम पानी नहीं डाले, बस दिखा रहे आपको। अब यहाँ पे स्विच है, हम स्विच को यहाँ से मारते हैं। तो ये मारने के बाद क्या हुआ, स्विच को देखिए यहाँ पे लाइन नहीं है, किसी तरीका का लाइन नहीं आया। ये जो लाइट है ग्लो होना चाहिए वो भी नहीं हुआ, उसके साथ ये केतली जो है ये भी गर्म नहीं हुआ। अब आपको बता दे कि इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये वाला जो देख रहे, ये वाला जो है इसका प्राइमरी जो सेक्शन में ये जो होल्डर टाइप का बना हुआ है, यही वाला ज्यादातर खराब हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिएगा कि ये अंदर से टूटा हुआ है। यहाँ पे जो लाइन हो सकता है कि सही से इसके साथ कनेक्ट नहीं हो, जिसके वजह से ये चालू नहीं हो रहा है। ये वाला भी हो सकता है, ये भी चेक करेंगे। पूरा इसका लाइन यहाँ से यहाँ चेक करना है। दूसरा इसका प्रॉब्लम होता है दोस्तों, अगर ये लाइन सीख रहे तो हो सकता है इसका स्विच में कहीं पे प्रॉब्लम है, या फिर जंग लग गया, या स्विच खराब हो गया। तीसरा प्रॉब्लम होता है दोस्तों इसका थर्मोस्टर के अंदर में, काफी बार होता है कि वो लाइन जो कनेक्ट होना चाहिए थर्मोस्टर का, तो वहां पे जंग लग जाने की वजह से भी ये ठीक नहीं चलता है। लेकिन एक बात देखिए दोस्तों, ये जो बनने के लिए केतली गया था, तो यहाँ पे देखिएगा ये केतली को बनाने वाला जो मिस्त्री है, इसको सही से बनाया नहीं। यहाँ पे देखिए खुला हुआ है। उसके अलावा इस केतली में इस तरफ अगर घुमा के दिखाएंगे तो ये देखिए क्या दिख रहा है, ये वायर इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो भी मिस्त्री बनाता है उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरा कि इस तरीके से काम ना करें। ये क्या है कि आपका घर में जो समझ ले आप चला रहे, या आपका माँ बहन या कोई भी, आप अगर इस तरीके का केतली से पानी गर्म करने जा रहा है, तो इसको जब पकड़ेंगे इस तरीके से, तो ये अगर कटा हुआ हो सकता है, या इसमें जो स्टीम बन के इसमें जाता है, तो ये कहीं ना कहीं अगर खराब हो ये वायर, तो इस तरीके से जब पकड़ेंगे माटी में पैर रख के, तो ये इससे आपका जान भी जा सकता है, इतना खतरनाक है केतली। क्योंकि ये केतली जब आप चलाएंगे घर में, तो देखेंगे कि आपका लाइट जो है कम हो जाता है थोड़ा बहुत। ये काफी ज्यादा जो है करेंट को खींचता है, आप 5-7 मिनट में आपका जो पानी को गर्म कर देता है। तो इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, इससे किसी का भी जान जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये जो है पूरा डेट है, तो इसका क्या है, कैसे करके इसको सलूशन है वो भी हम बता देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप करके हम चेक करेंगे आप पूरा एक केतली के बारे में, हम जो रिपेयरिंग करने का जो प्रोसेस है वो हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि ये केतली जो है जल्दी खराब होता नहीं है। जो प्रॉब्लम हम बताए, लगभग स्विच का या फिर इसका बेस का खराबी का प्रॉब्लम होता है, या थर्मोस्टर का प्रॉब्लम होता है। इसका कॉयल जो है 90% केस का कॉयल कभी खराब नहीं होता। कॉयल बहुत ही ज्यादा गर्म होने की वजह से खराब हो जाता है। अगर आप चला के छोड़ दिए, स्विच बंद नहीं हो रहा, उस सिचुएशन में क्या होता है, आपका कॉयल जो है जल जाता है, कट जाता है। तो उस तरीके का केस कभी होता नहीं है, कॉइल जो जल्दी खराब नहीं होता। अब इसमें क्या है दोस्तों, अगर इसको सही से चलाएंगे तो 3-4 साल तक आराम से चलेगा। अगर खराब भी हो जाता है तो ये है, एक दो बार किसी अच्छा मिस्त्री से बनाएंगे तो भी ये जो है काफी लंबा समय तक चलेगा, जल्दी ये खराब होने वाला केतली नहीं है। तो काफी बार मिस्त्री को आप लोग जब इसको देते हैं दोस्तों बनाने के लिए, तो बना के 2-1 दिन बाद ही खराब हो जाता है। 2-3 बार जब बनाते हैं इस तरीके का, जब खराब होता है तो आपका मन से वो विश्वास टूट जाता है कि ये केतली को बनाने से जो है कोई फायदा है नहीं, जिस वजह से आप लोग बनाने नहीं जाते। और जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि 1,000 रुपया केतली के पीछे 200-300 रुपया करके बार बार खर्चा करे इस केतली को बनाए। तो चलिए हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, इस केतली को हम रिपेयरिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये होल्डर जो यहाँ पे खराब है, टूटा हुआ है, तो इसको बदल देना चाहिए था। लेकिन जो है मिस्त्री अच्छा काम नहीं किया है, जिसके वजह से ये यहाँ पे खराब है। लेकिन फिर भी हम एक बार मल्टीमीटर से आपको चेक करके दिखा देते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो ये रहा दोस्तों मल्टीमीटर। मल्टीमीटर क्वांटिटी मोड में आपको ले लेना है, ऐसे करके लेने के बाद आपको इसको चेक करना है। ये देखिए इस तरीका से एक पकड़ना है, और साथ ही भी इसके अंदर जो वायर है उसको आपको चेक करना है, ये कंटिन्यूटी दे रहा है कि नहीं। इस तरीका से ये देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। अब इसको यहाँ से पकड़ते हैं, इसको यहाँ से सटाते हैं, तो ये भी कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब ये लाइन जो यहाँ से इसके अंदर तक सही है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे इसका जो अंदर का जो पिन है वो सही नहीं है, जिसके वजह से ये काम नहीं कर रहा। एक बार हम इसको सीधा करके देखते हैं कि ये
काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए ये पिनों को दोस्तों हम थोड़ा सा ऊपर की ओर खींच दिए हैं, अब इसमें एक बार लगा के देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। फिर हम क्या है, अगर ये काम करता है तो ठीक है हम इसको बदल देंगे, और नहीं काम करता है तो हम यहाँ पे ये स्विच जो है स्विच के यहाँ पे चेक करेंगे कि स्विच के जगह पे सही है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप करके काम करेंगे। हम इसको एक बार लगा लेते हैं दोस्तों, मल्टीमीटर को हटा देते हैं। इस तरीके से लगा देना है, लगाने के बाद इसको क्या करना है, यहाँ से लाइन में डायरेक्ट लाइन में दे देते हैं। देने के बाद एक बार हम क्या करके इसको चेक कर लेते हैं ये चालू हुआ कि नहीं हुआ। ये देखिए जरा सा खराबी को जैसे चालू हो गया, अब इसको हम बंद कर देखिए क्योंकि बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है तो इससे खराब हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए चालू हो गया दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये थोड़ा सा प्रॉब्लम के लिए अगर मिस्त्री इस चीज को अगर बदल देता तो ये केतली बार बार खराब नहीं होता, लेकिन मिस्त्री का बदमाशी ज्यादा पैसा कमाने की वजह से इसको सही से ठीक नहीं किया है, या फिर इसको ये होल्डर मिला ही नहीं है, इस तरीका से वो काम किया है जिसकी वजह से बार बार खराब हो जाता है। आप लोग भी परेशान हो जाते हैं बार बार बना के, 100-200 रुपया देने के बाद आप लोग थक जाते हैं कि कितना बार बनाए, अब इसको हटाओ नया ले ले। ऐसा करना नहीं है दोस्तों, अगर सही तरीका से बनाएंगे तो ये केतली हम आपको गारंटी देते हैं कि 2-3 साल तक आराम से चलेगा। तो इसका जो होल्डर है दोस्तों ये वाला अंदर वाला, इसको हमें बदल लेना होगा। तो हमें ये मार्केट में मिल जाएगा आपको करीबन 50-60 रुपया में, ज्यादा इसका दाम नहीं है। इसको किनने के बाद आप यहाँ पर लगा देंगे तो आपका जो है सही हो जाएगा। ये देखिए इस तरीका का जो है मार्केट में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ ये किन के लाएंगे और लाके इसके अंदर बैठा देंगे तो आपको हम गारंटी देते हैं कि साल भर के आगे ये करीब खराब नहीं होगा। ये पानी गिरने से भी जल्दी खराब नहीं होता, ये जरा सा इस केतली को अगर हड़बड़ी में बैठाते हैं जल्दी चाप के बैठाते तो उस सिचुएशन थोड़ा सा नीचे चल जाता है, लेकिन उसको अगर सही कर देंगे तो ये फिर ठीक हो जाता है। चलिए हम इसको एक बार बदल लेते हैं, बदल के फिर जो है हम आगे काम करते हैं। बदलने के लिए यहाँ से इसके स्क्रू खोल लेना है, ये देखिए दोस्तों ये देखिए खुल गया, खुल गया। अब इसको निकाल देना है, निकालना। अब देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो लगा हुआ दोस्तों यहाँ पे एक पुश बटन होता है, नहीं टिपेंगे तो अगर खींचेंगे तो ये टूट सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे उठा के हल्का से ऐसे चापेंगे और खींचेंगे तो ये खुल जाएगा। इसको उलाट लीजिए, अगर नहीं खुल रहा तो उलाट लीजिए, उलाट के वो चापी इधर से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा चापने से ये खुल जाता है। हम इसको खोल लेते हैं दोस्तों, इसको खोलने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखिए दोस्तों दो टर्म खोल दिए हैं, इसको ऐसे करके चाप के खाली टानना है बस ऐसे करके, तो ये अपने आप खुल जाएगा। अब इसको कुछ करना नहीं, इसको हटा देना, हटाने के बाद ये नया वाला है, नया वाला को बैठाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखे कि यहाँ पे तार को जब खोले तो एक बार देख ले कि कौन सा किस लिए लगा हुआ। तो ये ब्लू वाला अर्थिंग का तार है, ये ग्राउंड का है, और ये जो है आप देख रहे हैं ये फेस का है, ठीक है। ये न्यूट्रल का, ये फेस का, ये जो है अर्थिंग का है। इसको देख के आपको लगाना होगा, आप न्यूट्रल फेस को इधर या इधर लगा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड वाला जो है इसका बीच में लगेगा। तो यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड में इसको लगा देना है इस तरीके से। उसके बाद रेड वाला को आप लगा सकते हैं यहाँ पे दाहिने तरफ बाएं तरफ कहीं भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से ढुका के लगाएंगे तो ये लग जाएगा। तरीके से आपको लगा देना है, ये देखो ऐसे लगा दिए ये खुल जा रहा है, इसको इस तरफ से लगा देते, यहां से लगा दीजिए, दूसरा वाला को यहां से लगा दीजिए। ये लगा दिए, लगाने के बाद इसको थोड़ा सा चाप देना है, नहीं तो ये फिर खुल सकता है, ठीक है दोस्तों। इसको लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हल्का सा चाप देना है, नहीं तो इसका पिन जो है अटकेगा नहीं। यहाँ से हल्का सा ऐसे करके चाप देना है, जो इसका पिन है वो अटक जाएगा। यहाँ पे हल्का सा चापेंगे इसका पिन जो है अटक जाएगा, फिर से टालेंगे तो ये खुलेगा नहीं, मजबूती से लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगाने के बाद अब इसको वापस से जैसे था इसको सेटिंग कर देना। ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे लगा के अब इसका वायर को हमें क्या करना है, वायर को इस तरीके से इसमें लगा देना है, ये वायर को पूरा इसके अंदर लेना है, ये वायर को इसके अंदर ऐसे ढुका देना है चाप के। उसके बाद इसको इस तरीका से यहाँ पे बैठा देना है, ये देखिए इस तरीका से बढ़ जाएगा यहाँ पे जो ये देख रहे हैं इसमें आराम से ऐसे बढ़ जाएगा। बैठने के बाद आपको इस तरीका से इसको निकालना है, पकड़ के इसको पीछे की ओर घुमा लेना है क्योंकि यहाँ से क्रूक लगेगा।
तो इस तरीके से पीछे को घुमा के इसका जो स्क्रू जहां पे लगा हुआ था वहीं पे हमें जो है इसको लगा देना है। स्क्रू का अगर जंग लग जाए दोस्तों तो स्क्रू का हमें बदल देना है, नहीं तो फिर खुलेगा नहीं, या फिर तोड़ना पड़ेगा इसको, जो कि नुकसान हो जाएगा। ये स्क्रू नया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ज्यादा टाइट नहीं देना है, बस जितना जरूरत है उतने देना है। उससे ज्यादा अगर देंगे तो फिर मुश्किल है, आपका जो पेच चेक कर सकता है। ये देखिए जैसा था हम लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ अपना जगह पे। एक बार इसको हम लाइन में देते हैं, स्विच बंद करके लाइन में हम इसको दे दिए। यहाँ पे देने के बाद इस केतली को हम बैठा दिए यहाँ पे। इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, नहीं तो ये क्या है गर्म हो जाएगा तो फिर खराब हो सकता है। थोड़ा पानी डाल देंगे, थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें पानी डाल दिए, अब इसका मेन लाइन दे देते हैं। देने के बाद एक बार इसका स्विच को हम देखते चला के, तो ये देखिए ये जो है चालू हो गया। देखिए अब एक बार हम दिखा देते हैं कि पानी इसमें गर्म हो रहा है कि नहीं, इससे क्या है आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। अब हम आपको लिख सकते हैं कि ये जल्दी खराब होने वाला नहीं है, अगर खराब भी होगा तो 2-3 महीना बाद ही खराब होगा, इससे पहले खराब नहीं हो सकता है। आवाज आना चालू हो गया। एक बार हम अंदर में इसका दिखा देते हैं आपको पानी गर्म हो रहा है कि नहीं। ये देखिए इसको बंद कर देते हैं, जल्दी गर्म हो जाता है, देख रहे हैं दोस्तों। ये देखिए तो इसका जो है पानी जो है गर्म होना शुरू हो गया। हम इसको क्या किए बंद कर दिए, नहीं बंद करेंगे तो काफी ज्यादा हीट हो जाएगा, तो चेक करने के लिए बस आपको दिखा दिए कि ये सही हो गया। ये देखिए स्विच को मार देते हैं, देखिए 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 ये सही हो गया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लग जाता है, काफी बार जाना पड़ता है बाहर सामान लाने के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।